एक सेकंड उंगली नहीं रुकना चाहता है, इसको काट दीजिए तो कटा हुआ उंगली फिर चला जाएगा स्क्रीन पर, फिर छटपटाएगा यहाँ पर, क्लिक 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 करेगा, फिर उसको रस्से में बांध के सोफा के नीचे डाल दीजिएगा, ये सोफा से आपको उंगली करेगा यार। अगला रील, अगला रील। गाली जो है वो एक नाद है, बनारस में जो गाली है वो तो बनारस का प्रसाद माना जाता है। कि आपने आदि पुरुष देखी? आप आदि पुरुष देखते हुए लहसुन पुरुष हो जाएंगे। बीच में 3 साल हारमोनियम बजाया मैंने। आपने संगीत सीखा? सीखा नहीं, बजाया। तो वो हमको हारमोनियम सिखाते थे बंद कमरे में, फिर पहलवानी भी सिखाते थे। हारमोनियम और पहलवानी, वो भी बंद कमरे में। बिहार झारखंड में जन्म लेने वाला हर बच्चा गर्भनाल में UPSC टांग के पैदा होता है। कोचिंग एक आवश्यक बुराई है? कोचिंग में जनसभा हो गया कोचिंग कि अगर मेरा शिक्षक मदारी हो जाएगा रोड पर डमरू बजाते हुए खेला दिखाएगा तो मैं कहूंगा अपने शिक्षक से, सर आप पहले टीचर थे अब मदारी क्यों हो गए सर, अब आप सर का घंटा बजा के रिजल्ट नहीं ला सकते। 25 गज का कमरा जो गांधी विहार मुखर्जी नगर में तो खैर बाथरूम में रखा जाता है लोगों को, कौन मैं करोड़पति में जिस दिन अमिताभ बच्चन पूछ देंगे आप बताइए कि और घर के लेखक कौन है, न्यूज पर मैं नाल आई तब आपको ले, अरे यार तो पब्लिसिटी हो गया यार। कि अच्छा आप हिंदी में लिखते हैं, मेरा ना अनकंफर्टेबल हूँ मैं हिंदी में, और अगर टीटी खाली घोषणा कर दे कि ट्रेन जो है कि वो विलंबित है और फलना नंबर के यात्री जो है वो अवैध यात्रा कर रहे हैं, सबसे ज्यादा हिंदी सिख समझ में आएगा। किसी का बाप राइटिंग नहीं सिखा सकता, एक लाइन का गुरु ज्ञान है। केवल हिंदी में लिख के 2 रोटी खाया सकता है लेकिन बिना घी लगाए। शिक्षक समझ रहा है यूथ, कुछ नहीं समझता है। फिल्म बनाने वाले समझ रहे हैं यूथ, कुछ नहीं समझता है। राजनीति करने वाले समझते हैं यूथ, कुछ नहीं समझता है। जबकि इस देश को केवल यूथ समझ रहा है गुरु, वो सबको समझ रहा है। रे साधो एही नदी के तीर हमने देखा बहतानी,